हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी मेड द चैप्टर टूर और वी हैव डन द चैप्टर टूर पार्ट ऑफ अवर न्यू चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चप्टर एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एरिया एंड इट्स बाउंड्री तो इसमें जो भी प्रीवियस नॉलेज था और जो भी चैप्टर टूर के बारे में बताना जा बता जा रहा था आप सबको बताया गया है सो नाउ लेट स्टार्ट हु इज बिगर द फर्स्ट पार्ट इज हु स्लाइस इज बिगर सो पर्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़ फ्रॉम ए सॉप सो देर आर टू चिल्ड्रेन पर्थ एंड गिनी दे बॉट आम पापड़ फ्रॉम ए सॉप एंड द सेप ऑफ द आम पेपर्ड्स आई गिवेन इन द पेज नंबर द फर्स्ट वन इज़ ए स्क्वेयर सेप्ड एंड द सेकेंड वन इज ए रेक्टेंगुलर सेप ओके सो द स्क्र सेप्ड आम पापड़ इज़ फॉर गुड मॉर्निंग मैडम पर्थ एंड द रेक्टेंगुलर सेप्ड आम पापड़ इज फॉर गिनी ओके सो पर्थ के पास जो भी हमारा आम पापड़ का सेप था उसका लेंथ था सिक्स सेंटीमीटर एंड उ फाइव सेंटीमीटर फाइव सिक्स सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर और गिनी के पास जो आम पापड़ था उसका लेंथ थे इलेवन सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड थे थ्री सेंटीमीटर सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन सेप ओके सो हियर आर वी हैव फोर साइड्स एंड वी कैन एड फोर साइड्स टू फाइंड आउट द फोरीमीटर्स ओके सो देर पीसेस लुक लाइक दिज बोथ कूड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर एंड अभी उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन ये है कि किसी का से, किसका सेप्ट बड़ा है ओके okay, पर्थ का या गिनी का एक है स्क्वायर सेप्ट और एक है रेक्टेंगुलर सेप्ट सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर ए फ्रेंड ऑफ फर्थ एंड गिन्नी सोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वेयर्स अच्छा तो आपको कैसे लगता है कि कैसे दोनों के बीच हम उसको मतलब बता सकते हैं कौन सा पीस बिगर है कौन सा पीस स्मॉलर है तो उनके एक दोस्त था जिसने बोला कि अगर हम स्मॉल स्मॉल स्क्वायर को रखते जाएंगे एक सेप में जितने स्क्वायर्स रहेंगे उसी हिसाब से हम क्या करेंगे ना उसका एरिया बता पाएंगे जिसे हम बता रहे थे हाउ मेनी स्क्वायेयर्स में स्क्वायर्स को काउंट करके सिमिलरली हम इस यहाँ पर भी स्क्वायर्स रखते जाएंगे और जिसमें ज़्यादा स्क्वायर्स रहेंगे वो बड़ा सेफ होगा द लेंथ ऑफ पीस ए इज सिक्स सेंटीमीटर ओके एंड सो स्क्वायर ऑफ साइड वन सेंटीमीटर कैन कैन बी अरेंज एलॉन्ग इट्स लेंथ अच्छा वन सेंटीमीटर स्क्वायर जो हम स्क्वायर ग्रिड में पढ़े थे हवामिन स्क्वायर में जिसका लेंथ होगा वन सेंटीमीटर और ब्रेड भी होगा वन सेंटीमीटर उसी को अगर हम लेंथ वाइज रखेंगे तो लेंथ में छः स्क्वेयर्स यानी छः स्मॉल स्क्वायर्स कैन बी फिटेड इन टू द स्क्र ओके द उथ इज फाइव सेंटीमीटर <laughs> तो यहाँ पे भी हम पाँच स्क्वायर्स रख सकते हैं सो फाइव स्क्वायर्स कैन बी अरेंज विथ इट्स इट्स विथ ऑल्टोगेदर हाउ मेनी स्क्स कैन बी अरेंज ऑन इट तो ये जो पहला पर्थ का अंपा पड़े उसमें हम ऑल ऑल्टोगेदर कितने स्क्वायर्स कितने वन सेंटीमीटर वाले स्क्वायर के बॉक्स एड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक पिक्चर दिया हुआ है आ, वो पिक्चर का देखेंगे जैसे कि लेंथ साइड में देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स there are six squares in सिक्स स्क्र्स its length. now there are five squares on along its breadth. okay one two three four five. सो so, इसे हम और कितने बक्सेस रख सकते हैं आप लोग ऐसे लाइने खींच के बता सकते हैं ओके okay, तो अब हमें बताइए तो टोटल कितने बक्सेस हैं तो ये टोटल बक्सेस को काउंट करके सो द एरिया ऑफ पीस एज डेस स्क्वायर सेंटीमीटर अब हम क्या करेंगे ना ए का एरिया बताएंगे तो फिर सिमिलर प्रोसेस में हम क्या करेंगे बी का भी एरिया मापेंगे और बी का एरिया मापने के बाद वी कैन फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर ओके सो इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी वी हैव टू यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पीस बी आप क्या करेंगे एक स्क्वायर वन स्क्वायर सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और उसको रखते जाएंगे इससे ही आप क्या करेंगे so, बी का भी सेप निकालेंगे और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको ये बताना है ओके नाउ कवर विद स्टाम्प्स द स्टाम्प्स आज एन एरिया ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर फोर स्क्वायर सेंटीमीटर गेस हाउ मच स्टाम्प्स विल कवर दिस रेक्टेंगल ओके सो हियर इज ए स्पेस गि प्रोवाइडेड टू यू इन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन

स्क्वेयर्स और ईच इससे कितने स्टाम्प्स हम पूरा रेक्टेंगल शेप के अंदर रख सकते हैं और जो बिग रेक्टेंगल दिया हुआ है उसके अंदर हम कितने जो ऐसे स्टाम्प्स रख सकते हैं जितने स्टाम्प्स रख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय फोर करेंगे तो उसका एरिया हमें पता चलेगा क्यों एक स्टाम्प का जो एरिया है वो है चार स्क्वायर सेंटीमीटर तो ऐसे ही जितने स्टाम्प्स हम काउंट करेंगे उसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा पूरा बिग रेक्टेंगल का एरिया तो आपका जो काम है पहले ए है, और बी में डिसाइड करना है कौन सा सेप बड़ा है कैसे ना ए का एरिया फाइंड आउट करना है बी का एरिया फाइंड आउट करना है सिमिलरली ये जो बिग रेक्टेंगल दिया हुआ है पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन में उसका आ, जो कितना एरिया होगा ये भी आपको बताना है मेजर द येलो रेक्टेंगल इट इज़ ड सेंटीमीटर लॉन्ग अच्छा येलो रेक्टेंगल को मेजर करना है और इसका कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है ये बताना है ये जो है रेक्टेंगल आपका इसका एरिया आपको गेस करना है गेस uh, नहीं करना है तो आप मेजर कर सकते हैं अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उसे यूज करके आप बता सकते हैं हाउ मेनी स्टैम्प कैन बी प्लेस्ड प्लेसड इट्स लेंथ लेंथ में कितने stamps, uh, कितने स्टैम्प दिए जा सकते हैं जैसे कि मैं गेस कर रहा हूँ देखो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो आई थिंक सिक्स स्टैम्प कैन बी गिवेन एंड द ऑन इट्स लेंथ ओके तो आप मेजर करेंगे और बताएंगे हाउ वाइड इट्स इज इट द रेक्टेंगल उसका रेक्टेंगल का वाइड कितना है विथ कितना है ये आपको मेजर करके बता दें हाउ मनी स्टाम्प्स कैन बी प्लेसड इट्स विथ ये सेम क्वेश्चन है हाउ मनी स्टाम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल सो हाउ मेनी स्टाम्प्स डू वी नीड टू कवर द होल रेक्टेंगल यू कैन आंसर द क्वेश्चन एंड हाउ क्लोज वॉज यूर आर्लियर गेट्स डिस्कस आप पहले कैसे कितना सोचते थे और अभी जो आपका आंसर आया वो कितना है ये बीच में कंपेरिजन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और उसका एरिया कितना है और व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल उसका एरिया आप बता सकते हैं मैंने बोला था जितने स्टाम्स होंगे मल्टीप्लाइड बाई फोर एंड व्हाट इज द पेरीमीटर पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री आपको लेंथ मिल गया और विथ मिल गया और ऐसे आप उसको चारों साइड्स एड करके उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं सो थैंक यू आज के लिए आपको इतना ही काम करना है पहला काम है जो ए और बी से पे उस दोनों का एरिया uh, निकालना है और कौन सा बड़ा है उसको डिस्कशन करना है सेकंड पार्ट जो है जो बिग रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है कैसे ना स्टाम्प के जितने सारे स्टाम्प होंगे मल्टीप्लाइड बाय फोर और लास्ट में <coughs> ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके आप ग्रुप में भेजेंगे और मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में जो प्रैक्टिस टाइम है हम उसको डिस्कसन करेंगे लाइव क्लासेस में सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे